हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फाइव, सब्जेक्ट हिंदी, होमवर्क, 26 जून 2020। आज जो होमवर्क मैं सॉल्व करूंगी वो देखिए, आपकी कॉपी पर 2 और 3 नंबर प्रश्न है। बच्चन की परिभाषा क्या है? तो ये है बच्चन की परिभाषा। वचन क्या है और वचन की परिभाषा क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध न हो उसे वचन कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वचन के कितने भेद होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो एक बार फिर बता देती हूँ मैं, वचन की परिभाषा क्या लिखिए, या तो वचन क्या है, एक ही उत्तर होगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और वचन के वचन के 2 भेद है, तो क्या क्या है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। थैंक यू।